हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर फोर, प्लेन स्पॉटिंग। प्लेन स्पॉटिंग, जैसे कि चैप्टर का आपका नाम है प्लेन खोलना। खोलने से मतलब है जैसे टेक ऑफ होना, लैंड होते वक्त प्लेन का खुलना, और टेक ऑफ करते वक्त, लैंड होते वक्त खुलना, जब भी प्लेन के जो है पार्ट खुलते हैं। तो हम प्लेन, जैसे पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है आपके सामने, इनमें प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन के पार्ट्स के बारे में ये चैप्टर है। तो इसके राइटर हैं जेम्स बीन्स। जेम्स बीन्स ने जो है आप प्लेन के बारे में ये चैप्टर लिखा है कि कैसे एक बच्चा जो है, एक लड़की प्लेन का एक पार्ट जो खुल कर गिर जाता है, और कैसे उसको जो है वो नोट करती है और बताती है फिर, और एक जो है दुर्घटना होने से बचा लेती है। इट वॉज 6:45 इन द इवनिंग। द सन वॉज गोइंग डाउन एंड द लाइट्स ऑफ सिडनी एयरपोर्ट वर बींग स्विच ऑन। शाय कैंट वॉज सिटिंग इन ए पार्क नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। शाय वॉज 13 ईयर ओल्ड। शी लव्ड वॉचिंग प्लेन्स एंड ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग ऑन वन समडे। अब ये शाम के जो है 6:45 का समय था, सूर्य जो है ढल रहा था, और सिडनी के हवाई अड्डे की लाइट ऑन होने लगी थी। शाय कैंट जो है हवाई अड्डे के साथ वाले पार्क में बैठी हुई थी। शाय जो यहाँ पर एक लड़की है वो 13 ईयर ओल्ड की, तो उसने हवाई जहाज़ को देखना जो है उसे बहुत पसंद था, इसलिए वह पार्क में बैठी हुई उसकी तरफ देख रही थी। और उसने बैठने और प्लेन में बैठने का जो है वह हमेशा सपना भी देखती थी कि मैं एक दिन जो है इस प्लेन के अंदर बैठूंगी। शाय ऑफ्टन रोड हर बाइसाइकिल टू द रोड नियर द एयरपोर्ट एंड वॉच्ड प्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। सी समटाइम कैरीड ए कैमरा विद हर एंड टुक पिक्चर्स। सी नो ऑल द प्लेन्स, ऑल द एयरलाइंस एंड ऑल द फ्लाइट्स। शाय अक्सर जो अपनी साइकिल को हवाई अड्डे के पास वाली सड़क पर चलाती थी और प्लेन्स को उड़ते और लैंड करते हुए देखती थी। वह कभी कभी जो है अपने साथ एक कैमरा भी लेकर आती थी और उससे तस्वीरें खींचती थी। वह सभी प्लेन्स को अच्छे से जानती थी जो जो उस पर एयरपोर्ट से प्लेन जो है टेक ऑफ और लैंड होते थे, और सभी एयरलाइंस को और सभी फ्लाइट्स को वो अच्छी तरह से जानती थी। आई विल वॉच अनदर प्लेन टेक ऑफ एंड देन लीव, शाय टुक हरसेल्फ। मैं एक और प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखूंगी और फिर चलूंगी। शाय अपने आप से यह बातें कर रही है कि एक प्लेन और जो है उड़ते हुए देखूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी। ये प्लेन वाज कमिंग डाउन द रनवे। इट वाज द फ्लाइट टू बैंकॉक। एक प्लेन जो है रनवे पर नीचे की तरफ आ रहा था। अब रनवे से आप क्या समझते हो, इस स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड जहाँ पर जो है अलोंग विद एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। रनवे यानी कि रोड जिस पर से टेक ऑफ और लैंड होते हैं, तो नीचे की तरफ आ रहा था और यह बैंकॉक की फ्लाइट थी जो उड़ने के लिए तैयार थी। द प्लेन टुक ऑफ विद ए रो। सडनली शाय वाज समथिंग फेल डाउन फ्रॉम द प्लेन। इट लैंडेड नियर सम ट्रीज एंड बसेस। बसेस क्या होती हैं, झाड़ियाँ। तो प्लेन जो है गर्जना के साथ उड़ गया अचानक। शाय ने कुछ प्लेन से नीचे गिरते हुए देखा, वह कुछ पेड़ों और झाड़ियों के पास गिरा जैसे ही प्लेन उड़ा। व्हाट इज दैट, शी क्राइड, इज दैट ए पार्ट ऑफ द प्लेन। वह क्या था, वह चिल्लाई, क्या यह प्लेन का कोई पार्ट था। शाय रन टू द स्पॉट बट शी हैड टू स्टॉप व्हेन शी कम टू ए हाई फेंस। देयर वाज ए साइन बोर्ड ऑन इट विच सेड एयरपोर्ट कीप आउट। शाय जो है वह उस जगह पर पहुंची लेकिन वह रुक गई। जब वह एक ऊंची चार दीवारी के पास पहुंची, वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था एयरपोर्ट कीप आउट, यानी कि मतलब हवाई अड्डा जो है, यहाँ पर हवाई अड्डा है, बाहर रहो, अंदर आना मना है। शी लुक्ड थ्रू द फेंस एंड इन टू द बसेस। इट वॉज क्वाइट डार्क एंड शी कुड नॉट सी द थिंग वेरी क्लियरली। शी नोटिस्ड समथिंग ऑन द ग्राउंड, सो सी पुल्ड आउट हर कैमरा फ्रॉम हर बैग एंड टुक ए पिक्चर ऑफ इट थ्रू द फेंस। उसने जो है चार दीवारी में से झाड़ियों में देखा, वहाँ बहुत अंधेरा था और वहाँ कुछ भी नहीं देख पा रही थी। क्लियरली उसने ग्राउंड में कुछ देखा, इसलिए उसने अपना कैमरा बाहर निकाला अपने बैग से और उस चीज़ की जो है तस्वीर ले ली, उसने जो है उसकी पिक्चर ले ली। एज सुन एज शी डिड सो शी हियर्ड ए शाउट, हे व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ए गार्ड कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज एंड वॉक अप टू द फेंस। हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एक गार्ड पेड़ों के पीछे से आया और फेंस तक चलता है, तुम इस फेंस के पास क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग नियर दिस फेंस, तुम इस फेंस के पास
क्या कर रही हो. शाय पॉइंटेड थ्रू द फैंस. देयर देयर समथिंग इन देयर समथिंग इन देयर. शाय ने फैंस में से इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है. यस देयर इज एन एयरपोर्ट इन देयर. इंटरप्टेड द गार्ड एंड इट इज़ नॉट ए प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, प्लीज़ गो अवे. हाँ यहाँ एक हवाई अड्डा है. गार्ड उसे बीच में रोकते हुए कहता और यह बच्चों के खेलने का स्थान नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाओ. आई एम नॉट प्लेइंग. शाय ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग. मैं खेल नहीं रही हूँ, शाय ने समझाने की कोशिश की. But the guard paid no heed. He simply waved his hand, asked Shai to leave. Shai, लेकिन गार्ड ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया. उसने सिर्फ अपना हाथ हिला और शाय को जाने के लिए कहा कि जो है एयरपोर्ट को छोड़ दो. शाय स्लोली गोट ऑन हर बाईसाइकिल एंड रोड होम. वट वॉज दैट थिंक ऑन द ग्राउंड. वट इज वट इट ए पार्ट ऑफ द प्लेन. आई शुड डू समथिंग बट वट कैन आई डू, सी कैप्ट थिंकिंग. शायद धीरे से अपनी बाईसाइकिल पर बैठती और घर चलती है. जमीन पर वह क्या चीज़ गिरी थी? क्या वह प्लेन का कोई पार्ट था? मुझे कुछ करना चाहिए लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? वह ये बातें सोचती हुई जो अब साइकिल से अपने घर जा रही है. इट वॉज आलमोस्ट 7:30 वैन शी रीच्ड होम. शाय रन टू हर रूम एंड स्टडीड दैट फोटोग्राफ शी हैड टेकन. इट वॉज ए ग्रे पीस ऑफ मेटल. जब वह घर पहुँचती है तो लगभग 7:30 हो चुके थे. शाय जो है भाग कर अपने कमरे में जाती है और उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है जो उसने पिक्चर जो है वहाँ पर उस गिरे हुए पार्ट की प्लेन की ली थी. तो उसने वह एक ग्रे कलर का जो है मेटल का टुकड़ा था. तो आज हम फर्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल शुरू करेंगे.